गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास बेटा, टुडे आवर टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। बेटा फर्टिलाइजेशन, आप लोगों को पता है फर्टिलाइजेशन क्या होता है? क्या होता है फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट क्या होगा बेटा? मेल गैमेट होगा हमारा स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट क्या होगा? ओवम। ओवम कह सकते हैं या फिर एग कह सकते हैं, ठीक है? ओवम और एग। तो बेटा ये जो फ्यूज़न है मेल और फीमेल गैमेट का, स्पर्म भी क्या है? हैप्लोइड गैमेट है, 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। और एग भी क्या है? हैप्लोइड है, इसके पास भी 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या निकलता है? जायगोट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है? क्या होगा? जायगोट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है? और जायगोट कैसा होगा बेटा? डिप्लोइड होगा, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे इसके पास में, ठीक है? अब बेटा ये जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन हो कैसे रहा है, ठीक है? तो फर्टिलाइजेशन के लिए फर्स्ट हमारी जो प्रोसेस आती है वो है इनसेमिनेशन। इनसेमिनेशन क्या है बेटा? कि जो स्पर्म्स हैं ड्यूरिंग कोटियस ठीक है, ड्यूरिंग कोटियस क्या होगा बेटा? जो स्पर्म है, स्पर्म्स इज रिलीज्ड, कहाँ पर रिलीज होंगे? इनटू द फीमेल वजाइना। फीमेल के वजाइना में स्पर्म्स का ट्रांसमिशन थ्रू पेनिस, ठीक है? वजाइना बाय द पेनिस इज कॉल्ड इनसेमिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? इनसेमिनेशन कहते हैं, ठीक है? अब ये जो इनसेमिनेशन टेक्निक है, इससे जो स्पर्म्स फीमेल के वजाइना में गए हैं, वो जो स्पर्म्स हैं बेटा वो कैसे हैं? मोटाइल हैं। मोटाइल का मतलब क्या है? मूवमेंट करना, ठीक है? तो मूवमेंट कर रहे हैं स्पर्म्स, स्विम कर रहे हैं। किसके अंदर स्विम करेंगे? सीमन में फ्लूइड है जो, ठीक है? तो बेटा जो इस्थमस एंड एम्प्यूला जो जंक्शन होता है, जहाँ पर क्या है, ये हमारा फैलोपियन ट्यूब वाला पार्ट था ना, तो ये इस्थमस इनफंडिबुलम है, ये इस्थमस और ये हमारा एम्प्यूला। तो इनके बीच में यहाँ पर जो जंक्शन बनेगा, दोनों पार्ट्स जहाँ पर जुड़ रहे हैं बेटा, उस पार्ट को वहाँ पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है? अब इसे हम और क्या कह सकते हैं? इस एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इस पार्ट को जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है? एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन कह सकते हैं, ठीक है? अब बेटा जो एक्रोसोम है स्पर्म का, ठीक है, वो क्या करेगा? एक्रोसोम जो था कैपलाइक स्ट्रक्चर, ये एक्रोसोमल रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? एक्रोसोमल रिएक्शन करेगा, ठीक है? और ये जो एक्रोसोमल रिएक्शन है, रिएक्शन के टाइम पे ये जो स्पर्म है, स्पर्म क्या रिलीज करेगा? स्पर्म रिलीजेस लाइसीन्स को रिलीज करेगा। लाइसीन क्या होते हैं बेटा? लाइसीन इज अ केमिकल, ठीक है, जो क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, ठीक है? लिटिक का मतलब होता है बेटा, लिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, किसका? सेल वॉल का ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर क्या होगा? स्पर्म लाइसीन क्या करेगा? यहाँ पर रिलीज करेगा, ठीक है? और ये जो लाइसीन है ये क्या करेगा बेटा? डाइजेस्ट कर लेगा। किसको डाइजेस्ट कर लेगा? डाइजेस्ट कह सकते हो या डिसॉल्व कह सकते हो,
किसको डिसॉल्व करेगा? एग एनवेलप को। एग के बाहर जो एनवेलप है, जो लेयर है, जिसका नाम क्या है? जोना पेल्यूसिडा। क्या नाम है? जोना पेल्यूसिडा। उसको क्या कर लेगा? ये डिसॉल्व कर लेगा। ठीक है, अब बेटा ये जो स्पर्म लाइसिन है, स्पर्म लाइसिन कंटेन, क्या कंटेन करके रखता है? लिसिंग एंजाइम, क्योंकि बिना एंजाइम तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो लिसिंग एंजाइम। ठीक है, और इस लिसिंग एंजाइम का नाम क्या है बेटा? तो इसका नाम है हाइलोरोनाइडेज हाइलोरोनाइडेज एंजाइम। ठीक है, अब ये क्या करता है बेटा? ये जो एंजाइम है, ये हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करेगा? हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, पॉलीमर्स को। पॉलीमर क्या होते हैं बेटा? जो स्मॉल स्मॉल मोनोमर यूनिट्स से छोटी छोटी यूनिट्स जुड़ करके क्या करती हैं? एक लॉन्ग चेन बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, पॉलीमर आपकी पूरी यूनिट है केमिस्ट्री के अंदर। तो बेटा आप वहाँ पर भी पढ़ोगे पॉलीमर के बारे में। तो ये जो हाइलुरोनिक एसिड पॉलीमर बनाता है, ठीक है, इनको डिसॉल्व करता है कहाँ पर? इंट्रासेलुलर स्पेसेस के अंदर। इंट्रासेलुलर स्पेसेस आपको पता होगा, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी आता है। इंट्रासेलुलर स्पेसेस मतलब स्पेस बिटवीन सेल्स। ठीक है, तो बेटा ये क्या होल्ड करके रखते हैं? ये जो स्पेसेस हैं, इनके अंदर ग्रैन्यूलोसा सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? ग्रैन्यूलोसा सेल्स। ठीक है, ये जो ग्रैन्यूलोसा सेल्स हैं, ये किसकी है? कोरोना रेडियाटा की। कोरोना रेडियाटा, ठीक है। अब ये जो कोरोना रेडियाटा है, ये क्या है? जब जो एग होता है, एग के आउटर एनवेलप पे जो सेल्स होती है बेटा, उनका नाम क्या है? कोरोना रेडियाटा। ठीक है, तो जो कोरोना है, कोरोना तो किसको पेनिट्रेट करेगा? ये जो एंजाइम है, ये तो कोरोना रेडियाटा को पेनिट्रेट करेगा, उसको डिसॉल्व करेगा। और जो कोरोना तो किसको डिसॉल्व कर रहा है? कोरोना रेडियाटा को। और बेटा जो एक्रोसीन होगा, एक्रोसीन डिसॉल्व करेगा बेटा जोना पेल्यूसिडा लेयर को। जोना पेल्यूसिडा लेयर को, ठीक है। कोरोना किसको डिसॉल्व करेगा? कोरोना रेडियाटा को। एक्रोसीन जोना पेल्यूसिडा को। बेटा ये जो टॉपिक है, इसमें जो हमने जो फर्स्ट के टर्म पढ़ी है, इंसेमिनेशन फर्टिलाइजेशन, ये टर्म्स तो इम्पोर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। और जो कंटेंट जो भी हम इसमें पढ़ रहे हैं बेटा, ये एंट्रेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम की तरफ से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये जो टर्म आए हैं, जैसे एंजाइम के नेम है, कौन सा केमिकल वो रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी लेयर को कौन सा केमिकल डिसॉल्व कर रहा है, ये सारे बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। किसके लिए? हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। अब बेटा यहाँ पर क्या होगा? जब ये लेयर्स डिसॉल्व हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक रिएक्शन होती है, जिसका नाम क्या है? कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या नाम है? कॉर्टिकल रिएक्शन। ये जो कॉर्टिकल रिएक्शन है बेटा, ये कब होती है? जब स्पर्म्स एंटर कर चुके हैं, आफ्टर द एंटरिंग ऑफ स्पर्म, After the entering of sperm, कहाँ पर? Into the egg. जब sperms egg की layer को dissolve करके egg के अंदर enter कर चुके हैं, तो वहाँ पर sperms की entry को, ठीक है, मतलब ज़्यादातर sperms की entry को check करने के लिए कौन सी reaction होती है? Cortical reaction होती है। ठीक है, अब बेटा ये जो कॉर्टिकल रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या होगा? जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो थे, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, ये प्रेजेंट होंगे कहाँ पर? होंगे एग प्लाज्मा लेयर के नीचे होंगे। ठीक है, बिनिथ
द एग प्लाज्मा लेयर, ठीक है, या मेम्ब्रेन कह सकते हो। तो यहां पर क्या होगा बेटा, प्लाज्मा लेयर क्या करेगी, केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिलीजेज अ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, कहां पर रिलीज करेगी, बिटवीन द ऊप्लाज्म। ऊप्लाज्म क्या बेटा, ऊ का मतलब क्या होता है, एग, ठीक है, और प्लाज्म का मतलब, प्लाज्म क्या होता है, जो भी कंटेंट उसमें भरा हुआ है के अंदर जो साइटोप्लाज्म वगैरह है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊप्लाज्म, ठीक है। और किसके बीच में था, ऊप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम क्या है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम है विटेलाइन मेम्ब्रेन। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका एक नंबर का बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी, और बेटा जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें भी। तो विटेलाइन मेम्ब्रेन, अब बेटा जो सब्सटेंस बढ़ गए हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन पे, कहाँ पर, एग के सरफेस पे, तो वो क्या करेंगे, एलिवेट कर देंगे उसको, विटेलाइन मेम्ब्रेन को, और एलिवेट, एलिवेट का मतलब क्या, ख़त्म कर देंगे। तो ये जो विटेलाइन मेम्ब्रेन होगी बेटा, इसको फिर हम क्या कह देंगे, फर्टिलाइज्ड मेम्ब्रेन कहेंगे, क्या कहेंगे, फर्टिलाइज्ड मेम्ब्रेन। कब कहेंगे बेटा इसको फर्टिलाइज्ड मेम्ब्रेन, आफ्टर एलिवेशन, ठीक है, आफ्टर एलिवेशन हम इसको क्या कहेंगे, फर्टिलाइज्ड मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। अब ये जो फर्टिलाइज्ड मेम्ब्रेन थी, अब तुम्हें समझ आया कि एग के अंदर स्पर्म कैसे एंटर हुआ, ठीक है, और फिर क्या हुआ, जब स्पर्म में एंटर हो गया एग में, उसने कौन कौन सी लेयर को डिसॉल्व किया, लेयर को डिसॉल्व करने के बाद क्या हुआ बेटा, एग और स्पर्म की मेटिंग हो गई और फ्यूज़न हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या निकला हमारे पास, जायगोट फॉर्मेशन, ठीक है, एग और स्पर्म ने फ्यूज होकर के क्या बना लिया, जायगोट बना लिया, ठीक है। अब जो जायगोट है बेटा, जायगोट कैसा है, 2n क्रोमोसोम है इसके पास, ठीक है। अब ये जो जायगोट है, इसके अंदर क्या होगी बेटा, माइटोसिस होगी, ठीक है। तो जब माइटोसिस होगी, माइटोसिस के टाइम पे क्या होगा, क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो सेल है एग की, ये जो एग सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाते हैं, क्या होगा, क्रोमोसोम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ये तुमने जो सेल का जो स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो जब क्रोमोसोम से डिवाइड होंगे बेटा, ये अपोजिट पोल्स पर चले जाएंगे, थ्रेड्स आ जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स, और फिर क्या होगा, जब ये डिवाइड होंगे बीच से, तो क्या करेंगे, दो सेल बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक से कितनी सेल बनेंगी, दो, ठीक है, फिर इससे फर्दर दो, और इससे भी फर्दर टू सेल्स, तो कितनी हो गई, फोर सेल स्टेज हो गई, ठीक। फोर के बाद क्या होगा बेटा, इससे भी दो सेल्स बनेंगी, और इधर वाली से भी दो सेल्स बनेंगी, इधर भी दो और इधर भी दो, तो टोटल कितनी हो गई, टू टू फोर टू सिक्स और टू एट। तो बेटा पहले क्या हुआ, टू सेल्ड स्टेज आई, फिर फोर सेल्ड, फिर एट सेल्ड, ठीक है। तो एट से क्या हुआ, सिक्सटीन बन जाएंगी, और इन सेल्स को बेटा हम क्या कहेंगे, टू फोर एट एंड सिक्सटीन ब्लास्टोमेयर सेल्स कहते हैं हम इनको, क्या कहेंगे हम इनको, ब्लास्टोमेयर सेल्स कहते हैं, ठीक है। अब बेटा एट से जब सिक्सटीन ब्लास्टोमेयर सेल्स बनती हैं, ये जो स्टेज होगी, इस स्टेज को बेटा हम क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं, क्या कहेंगे इस स्टेज को, हम मोरुला कहते हैं, ठीक है। मोरुला आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, वन मार्क्स में। अब बेटा जो मोरुला है, मोरुला के अंदर कंटिन्यूअस डिवीजन होगा, ठीक है, और डिवीजन के बाद क्या होगा, ये जो एग जो था,
यहाँ पर क्या होगा बेटा, ऐसे ये जो सेल्स थी ब्लास्टोमेयर सेल्स सरफेस के ऊपर अरेंज हो जाएंगी, ठीक है। और सरफेस पे अरेंज होने के बाद बेटा हम इसे क्या कहेंगे, ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर इनर सेल मास होगा, ठीक है। इनर सेल मास किससे अटैच होगा? ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होगा पूरा, ठीक है। ये पूरा क्या होगा? ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होगा। अब बेटा जो ट्रोफोब्लास्ट था, ये ट्रोफोब्लास्ट किससे अटैच हो जाएगा? यूट्रस में जाने के बाद, वहाँ इम्प्लांट होने के बाद, ये यूट्रस की इनर लेयर एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाएगा, ठीक है। एंडोमेट्रियम से अटैच होने के बाद बेटा क्या होगा कि जो इनर सेल मास था, ये जो अंदर वाला जो सेल मास था, ठीक है, ये जो सेल मास है इसके अंदर डिफरेंशिएशन शुरू होगा, ये डिवाइड होना शुरू होगा और ये डिफरेंशिएट करके किसकी फॉर्म ले लेगा? एम्ब्रियो की फॉर्म ले लेगा। और एम्ब्रियो कैसा होता है? एम्ब्रियो के अंदर बेटा ऐसे मतलब बॉडी पार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो की फॉर्म ले लेगा। अब जो सेल है बेटा यूट्रस की, वो डिवाइड करेंगी यहाँ पर, मतलब ये जो सेल है इसमें सेल डिवीज़न होगा तभी तो एम्ब्रियो से फीटस बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? सेल डिवीज़न होगा और उसे हम क्या कहेंगे बेटा? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। सिस्ट क्या होता है बेटा? सिस्ट का मतलब होता है मास ऑफ सेल्स। जब बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सिस्ट। तो कौन सी सेल्स? ब्लास्टोमेयर सेल्स। तो क्या बनाएंगी? ब्लास्टोसिस्ट बना लेंगी, ठीक है। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट था बेटा, ये कहाँ पर अटैच हो जाएगा? जाकर यूट्रस की वॉल, यूट्राइन वॉल से अटैच हो जाएगा। और जब ये यूट्राइन वॉल से अटैच हो जाएगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इम्प्लांटेशन कहेंगे। इम्प्लांटेशन किसे कहेंगे? अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद यूट्राइन वॉल, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? इम्प्लांटेशन कहेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ? इम्प्लांट हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया, ठीक है। अब क्या है बेटा कि हमारा जो एग है, एग के अंदर होता क्या क्या है, ठीक है। तो एग के अंदर बेटा न्यूक्लियस होगा ये हमारा, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा? सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? साइटोप्लाज्म कंटेंट फिल होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बाद क्या होगा बेटा? यहाँ पर एक लाइन जो कवर करके रखेगी मेम्ब्रेन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जोना पेल्यूसिडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। जोना पेल्यूसिडा के बाहर क्या होगी बेटा? विटलाइन मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। विटलाइन मेम्ब्रेन के बाहर बेटा क्या होंगे? यहाँ पर ऐसे सेल्स लगी हुई है, ठीक है। और इन सेल्स को हम क्या कहते हैं बेटा? फोलिकल सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो, वो जो जो एंजाइम्स वहाँ पर, लाइसिन जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे थे, वो क्या करते हैं? पहले विटेलाइन मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, फिर जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करता है स्पर्म का एक्रोसोम, और फिर क्या होता है बेटा? आगे जा करके वो सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो स्विमिंग में हेल्प करता है, वहाँ पर वो डिसॉल्व हो जाते हैं स्पर्म्स जा करके, और एग के साथ फ्यूज़न कर लेते हैं, ठीक है। अब जो स्पर्म हैप्लोइड था और एग का जो न्यूक्लियस है, स्पर्म के हेड में था न्यूक्लियस, तो वो न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बना लेते हैं, ठीक है। और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? जायगोट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो बेटा ये आपका टॉपिक था फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, कि फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, ठीक है, और इम्प्लांटेशन कैसे होता है। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।
ठीक है। अदरवाइज बेटा इसके अलावा बस एक टॉपिक और बचा है अब हमारा, प्रेगनेंसी, और हमारा ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये जो सारे ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें अभी तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े सारे 5-5 मार्क्स के थे। ठीक है, और ये जो टॉपिक्स हैं इनके अंदर जो डायग्राम दिए हैं, डायग्राम की प्रैक्टिस साथ साथ करते रहना, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर जितना राइटिंग के मार्क्स मिलते हैं उतने ही डायग्राम के भी मिलते हैं। ठीक है, और डायग्राम बनाने से जो इम्प्रेशन होता है एग्ज़ाम का बहुत ही अच्छा जाता है। ठीक है, चेक करने वाले को ये लगता है कि हाँ कि बच्चे ने कुछ पढ़ा हुआ है, तो डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है।